खबर आ रही है जोधपुर से। प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र से बस ने बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। निजी ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। बस ने एक व्यक्ति को कुचला। पुलिस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान अब करने में जुटी हुई है। निजी ट्रेवल्स की बस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया है। जोधपुर का ये मामला, प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र का ये मामला है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ है। एक प्राइवेट कंपनी की निजी ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है, जिसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया है। पुलिस अभी फिलहाल शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। तो जोधपुर में ये हादसा हुआ, जिसमें बस ने बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया। प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र का मामला। लोगों की भारी भीड़ इलाके में जमा हो गई है और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर यह हादसा हुआ। बुजुर्ग को एक निजी बस ने कुचल दिया। दर्दनाक मौत बुजुर्ग की हुई है। तो अभी फिलहाल पुलिस हिस्सा जांच में जुटी है कि बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और इनके परिवार को खबर पुलिस को देना है, इसीलिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक निजी बस ने बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल डाला। हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ गए इस खबर पर। गिरीश, कैसे हुआ यह हादसा? क्या निजी बस की स्पीड ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई? देखिए नंदनी, सबसे पहले मैं बात बताऊं तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये प्रताप नगर थाना क्षेत्र के हल्के में पेट्रोल पंप एक है, वहां पर लगातार ये जो निजी ट्रेलर की जो बसें हैं वहां पर खड़ी रहती है और आए दिन वहां पर झगड़ा चलता रहता है। ये जो बस थी, ये जो पीछे बैक ले रही थी बस, और पीछे जो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और पीछे जो बुजुर्ग व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर था उसको वहां पर कुचल दिया गया और लोग बोलते रहे कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उस दरमियान उस ड्राइवर ने कतई नहीं सुनी और पीछे जैसे ही बैक ली गाड़ी, बुजुर्ग जो दंपति था उसके ऊपर ये जो गाड़ी है उस बुजुर्ग के ऊपर डाल दी और मौके पे ही जो बुजुर्ग की है वहां पर मौत हो चुकी है। और मौके पर पुलिस सदर थाना प्रताप नगर पहुंच चुकी है। फिलहाल ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है इसकी शिनाख्त नहीं हुई है, पर मौके पे जो लोग है उनका काफी जो रोष है जो ड्राइवर्स को लेकर, हालांकि जो ड्राइवर था वो मौके से भाग छूटा है। जी जी अग्रीश, तो ये जो समस्या आप बता रहे हैं कि वहाँ पर निजी ट्रैवल की जो बसेज हैं पेट्रोल पंप के पास खड़ी रहती हैं, कई बार लोगों द्वारा पहले भी विरोध किया गया है और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। अग्रीश, ऐसे में पुलिस द्वारा क्या लोगों को समझाइश दी जा रही है? देखिए निश्चित तौर पर पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने परिवहन विभाग पर भी कई बार शिकायतें की। जो ये जो बसें हैं जो रोडों पर खड़ी रहती है और ना तो परिवहन विभाग कोई सुनाई कर रहा है और उसका खामियाजा ये जो बुजुर्ग ने अपनी जान देकर भुगता है। जी चलिए शुक्रिया ग्रीश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विभाग की लापरवाही, लेकिन इसका खामियाजा एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान से चुकाया गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को निजी बस ने कुचल दिया। इस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन कई बार परिवहन विभाग से इस मामले को लेकर, इस एरिया को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है कि पेट्रोल पंप के पास ये निजी बसेस खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से इलाके में कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया।